यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले सीरीज। तो यार आज की गेम प्ले सीरीज शुरू होने वाली है हमारे माइनक्राफ्ट गेम से। तो यार बेसिकली से ये माइनक्राफ्ट का ट्रायल गेम है जिसको मैंने डाउनलोड किया और मैंने सोचा कि यार मेरे को मैंने जो ये माइनक्राफ्ट गेम है वो 3 साल पहले खेला था, वो भी अपने भाई के पीसी में। तो उसके बाद उसने मेरे से बोला कि भाई ये तू गेम खेल के देख, तेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार मैंने वो गेम खेला पर मेरे को वो ग्राफिक्स सूट नहीं करी, बॉक्स बॉक्स से डब्बे डब्बे हर जगह पर, यहाँ पे तो सूरज चांद वगैरह सब डब्बे के होते हैं, तो मेरे को वो गेम सूट नहीं करा। तो मैंने क्या किया कि उसको भाई से बोला कि मेरे को कोई और गेम खेला, मैंने उसको हटा दिया। और तो आज भाई मैं देख रहा हूँ कि इतने ज़्यादा ये पॉपुलर गेम है ना, तो मैंने सोचा इसको फिर से फ़ोन में डाउनलोड करते हैं और ट्रायल देते हैं कि कैसा है ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना वर्ल्ड बना लिया अंडर वर्ल्ड, तो जल्दी से अपना वर्ल्ड में चलते हैं और देखते हैं और क्रिएट करते हैं अपना न्यू वर्ल्ड और देखते हैं क्या क्या एकदम नया होने वाला है। अगर मेरे को ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इस पर बहुत सारी सीरीज डालूँगा और इसका ओरिजिनल वर्जन भी बाय कर लूँगा। तो जल्दी से चलते हैं अब सीधा क्या कहते अपने गेम प्ले की हो। अब यहाँ पर देख लो भाई, सारे मतलब पेड़ वगैरह सारे जो हैं वो सारे आप लोगों को क्या कहते बिल्कुल डब्बे डब्बे से मिलेंगे। यहाँ पे हर चीज़ डब्बे की है। तो हम लोग पहले जल्दी से पेड़ काटना शुरू करते हैं। मेरे को ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है पर इतना पता है कि कैसे होना है। तो अब यहाँ पर मेरे को कुछ ज़्यादा कन्फर्मली पता नहीं है इस गेम के बारे में, पर हाँ इतना पता है कि यहाँ पर हम लोगों को अपने पेड़ काटने हैं और रात होने से पहले एक घर बनाना है जिसमें हम लोग यहाँ पर रह सकें। अब ये पेड़ मेरे से क्यों नहीं कटा ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि अब मैंने उस समय अपने भाई के पीसी में ये गेम खेला था और अब पता नहीं ये गेम क्यों नहीं, क्योंकि मैं उस पर क्लिक कर रहा था और उस पर हो रहा था, पर यार अभी ये मेरे से हो नहीं रहा, वो मेरे को पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं यार क्यों नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारी कोशिश भी करी करने की और अब मैं समझ गया इसको मेरे को प्रेस करके रखना पड़ेगा तब जाके ये मेरे से होगा। तो अब मैं समझ गया था इससे और यहाँ पर भी मैं अब थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ धीमे धीमे, मतलब इसकी मैंने एक आठ वीडियोस भी देखी है कि इसको कैसे खेलता, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं नूब की तरह खेल रहा हूँ। तो यार इसीलिए मैंने क्या कहते 2-4 वीडियो देख के रखी थी ताकि आप लोगों को मतलब मैं थोड़ा ठीक ठाक गेम प्ले वगैरह अपना नए वर्ल्ड का दिखा दूँ। तो यार आप लोग ऐसा क्यों सोचे होगे कि मैंने अपने वर्ल्ड का नाम अंडर वर्ल्ड क्यों रखा। यार ये नाम मैं बहुत पहले से सोच के रखा था कि मैं अपने वर्ल्ड को ऐसा बनाऊंगा ना जिसमें मेरे ही मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे। तो इसलिए मैंने और कोई गेम में तो भाई अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं चलते हैं, पर माइनक्राफ्ट में अपने थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन चल लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना नाम अंडरवर्ल्ड दिया। और भाई मैं इसको मानना चाहता था पर मैं मान नहीं पाया था, क्योंकि जो रेड है वो आप लोग जैसे देख रहे हो कि इस पर लाइट आती है, मैं जगह जगह कहते इनको रखे जाता था। आप लोग जैसे देख रहे होगे मेरे को लग रहा था कि यार ये कैसे होगा कैसे होगा, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि यार जो ये गेम है ना इसमें आप लोगों को थोड़ा सा क्या कहते प्रॉब्लम होगी, आप लोग धीमे धीमे करके समझोगे। तो यार उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा गेम पर टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तब तो आप लोगों को जाके इस गेम के बारे में समझ में आएगा। अब मैं तो क्या कहते बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना। तो यार मैंने सोचा कि अब एक ही चीज़ होगी, हम लोग जैसे जैसे ये बता रहे हैं हम वैसे वैसे क्या कहते इस गेम को खेलेंगे और जल्दी से क्या कहते अपने जो वुड्स हैं उनको बना लेते हैं। अब जैसे ये बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा, ये पता नहीं क्या खाने आ रहा है मेरे पास, पर बहुत देर से पड़ा। अब मैं समझ गया था कि इसको अगर मैंने टच किया तो ये मेरे को मीट देगा। भाई मीट तो सबको ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे को अपनी हेल्थ बढ़ानी है तो मेरे को मीट चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको मारा तुरंत तो मैंने मीट उठाया और यहाँ चलाया। तो यार यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक केव है और मैं अपना घर भी थोड़ा कंप्लीट कर रहा था। आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा घर थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो रहा है, आप लोगों को मैंने अंदर से नहीं दिखाया, अब मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लोर भी करवा दूँ। मैं यहाँ पे बहुत देर से क्या कहते जो है गड्ढा खोद रहा था अंदर, और मैंने सोचा कि रात होने वाली है और अगर मैंने थोड़ी भी देर करी ना भाई तो आप लोग सोच लो कि ये जो है ना
सीधा क्या कहते हैं ज़ॉम्बीज आके मेरे को मार के चले जाए। अब मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया क्योंकि बगल में है जो स्पाइडर की है वो गुफा भी है, मतलब केव भी है बगल में, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से मैं एंट्री करूँगा। और यहाँ पर खाली मैंने आज रात के लिए बनाया ताकि जो आज रात में मैं इसके अंदर ही अंदर मतलब अंडरग्राउंड एक सुरंग खोद लूँ, जिस वजह से जो क्या कहते मेरे को अंदर रूम्स वगैरह बनाने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे कन्फर्मली क्या कहते सोच लिया था कि मेरे को कैसे बनाना है, और मैंने ये भी सोच लिया था कि जो पास से अभी रिवर बह रही है उस रिवर को लेके मैं अपने केव में आऊँगा, उस मतलब स्विमिंग पूल टाइप एक केव में अपने पास बना लेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, वरना जो ज़ॉम्बीज हैं वो उड़ते उड़ते भाई मेरे केव में ज़रूर आ जाएंगे। अब मैंने ये सोच के रखा था कि मैं थोड़ा सा ओपन रखूँगा ताकि मेरे को बाहर का व्यू भी मिलता रहे। अगर मेरे को बाहर का व्यू नहीं मिलेगा ना, और मेरे पास टॉर्च भी नहीं है कि मैं जिससे लाइट कर लेता, तो मैंने सोचा बाहर का व्यू भी चाहिए मेरे को, जिस वजह से मैं क्या कहते बाहर व्यू करने के लिए मैं थोड़ा सा खोल के रखूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खोल के रखता हूँ जिससे लाइट आती है, और मैं यहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देता हूँ। मैंने कहा कि आज रात में जितनी खुदाई हो सकती है उतनी खुदाई करेंगे। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि अंदर ही अंदर क्या कहते एक सुरंग बना लूँ, वरना यार ऊपर भी थोड़ा सा उठा दूँगा, ये एक अंडरग्राउंड वगैरह हो जाएगा जहाँ पर हम लोग अपने स्टोन्स वगैरह रखेंगे, ताकि जो हमारे स्टोन्स वगैरह हैं ना वो थोड़े सेफ रहें। अगर मैं मेरे को क्या कहते कुछ भी हो जाता है वो थोड़े सेफ रहें। इस वजह से मान लो आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों को ज़ॉम्बी मार देता है ना तो भाई आपकी जितनी भी चीज़ है फूड वगैरह सब क्या कहते आप लोगों को वापस से कलेक्ट करनी होगी। ये सबसे बड़ी कमी तो नहीं कह सकते हैं, सही है यार, अगर आप लोगों को घर ही बनाते रह जाओगे तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा ना। वो अपनी चीज़ें कलेक्ट करो, वापस से खेलो, मज़ा करो, तभी तो यार गेम में मज़ा आएगा। जिस वजह से यार मैं क्या कहते कह रहा था, तो आप लोग मैं जल्दी जल्दी क्या कहते पूरी केप को खोल लेता हूँ। और मैं सोचा था यहाँ पर अपना अंडरग्राउंड बनाएंगे, इसके ऊपर एक और रूम खड़ा कर देंगे ताकि जो हम लोग की चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी इस गेम में हो जाएंगी। तो आप लोग जैसे देख सकते हो मैंने बहुत खोदा है, और बहुत देर से मैं कंटिन्यू खोदे चला जा रहा हूँ इधर पर, और आप लोग जैसे देख सकते हो कितना मैं खोदता खोदता आ चुका हूँ। और यहाँ पर मेरे ख्याल से इतना तो हो ही गया कि हमारी जो चीज़ें हैं वो स्टोर हो जाएँ। अब आप लोग जैसे देख सकते हो कि मैं इतना खोदता हुआ चलाया ना, कि जिस वजह से मैंने बहुत थोड़ा ज़्यादा खोद दिया। तो मैं यहाँ सोचा हूँ कि यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दूँ, बाद में अगर मेरे को खोदना होगा तो मैं खोल लूँगा। अब इतना भाई देखने में इतना औसम लग रहा है ना, और अब सुबह भी हो गई, और सुबह भाई आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्लॉक किया था, जिस वजह से मैं खोल देता हूँ इसको, खोद के खोल देता हूँ और आप लोगों को बाहर दिखाता हूँ। ये कहाँ से चला है अब भाई, तू गया, मतलब तेरा मीट मेरे को मिल के रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी खोद देता हूँ, बाद में उठा लेंगे, वरना अभी उठा लेते हैं जल्दी से। और हमारे पास ढेर सारा मीट हो चुका है, मीट इस प्रकार हो चुका है, और यहाँ पे बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है भाई, बारिश की बूंद इतनी देखने में औसम लग रही है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है बारिश की मैं देखने में। तो यार यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं जल्दी से चलते हैं, थोड़ा कोल कलेक्ट करते हैं, वुड कलेक्ट करते हैं, और अगर मैं थोड़ा साइड होता ना तो गिर जाता। यहाँ तक हम लोग कंटिन्यू अपना खोदेंगे, यहाँ तक खोदेंगे, और यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ पर अपना एक आप लोग स्विमिंग पूल टाइप का बनाएंगे, और रिवर यहीं से ले आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर रिवर मिलेगी थोड़े दिनों में, रिवर नहीं एक टाइप से स्विमिंग पूल बन जाएगा ताकि हमारे पास पानी भी रहे। और मैं सोचा था कि अपने जो घर को चारों तरफ से पानी से कलेक्ट कर दूँ। अरे भाई साहब, मतलब ऊपर से मैं कूदा हूँ ना उस वजह से मेरे बहुत डैमेज हुआ है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो किसी ने खोद खोद के यहाँ पर पूरा कबाड़ा कर दिया है। अब मेरे को जल्दी से पहले तो कोल कलेक्ट करना है, कोल कलेक्ट करना है इसलिए ताकि मेरे पास कोई टॉर्च तो हो, या मेरे पास कोई भी टॉर्च नहीं है, वरना मैं टॉर्च क्या कहते गाँव में जाके यहाँ पर जो लोग पहले से रह रहे हैं उनके घरों में जाके बेड गेट वगैरह दरवाजे वगैरह सब लोग कुछ तोड़ ताड़ के और उनसे मतलब लूँ। तो यार मैं पहले तो जल्दी से खोद लेता हूँ,
खुद जल्दी से इसलिए लेता हूँ ताकि हम लोग को कॉल मिल सके। तो यार फिर से शाम होने लगी और मेरे को जल्दी से केब में आना पड़ा क्योंकि मेरे पीछे जॉम्बीज पड़ गए। तो आप लोग जैसे देख सकते हो कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला हूँ और मैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए निकला हूँ और यहाँ पर मैं जल्दी से कहते कुछ खाने के लिए लेने के लिए ले लिया है। अब जल्दी से कहते अंदर चलते हैं केब में क्योंकि आप जिस प्रकार से भाई बारिश स्टार्ट हुई ना, मेरे को लगता क्या कहते थोड़ी देर में यहाँ पे ज़ॉम्बीज वगैरह आ जाएंगे। बारिश की वजह से यार बहुत जल्दी जल्दी क्या कहते एकदम अंधेरा सा छा रहा है जिस वजह से यार कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अब मैंने जितनी चीज़ कलेक्ट की है ना उस हिसाब से अब मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ टॉर्च कैसे बनानी। भाई टॉर्च बनाने के खाली हम लोग के पास कोल नहीं है, अगर कोल होता ना तो भाई बाकी सब काम हो जाता। तो अब मैंने सोचा कि अब कोल नहीं है क्या करें, कोल नहीं है तो चल तब तक कुछ नहीं यार हम लोग सिंपली कहते और चीज़ें देखेंगे क्या क्या है और बस अपना शुरू हो जाना है ना खोदने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग वापस से शुरू हो चुके हैं खोदने के लिए और यहाँ पर मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ खोदने के लिए जो हम लोग अब जो आप लोग जैसे नीचे देख सकते हो इसके नीचे भाई आप लोगों को लावा मिलेगा। लावा भाई लावा लास्ट होता है, अगर लोगों ने लावा को ढूंढ लिया ना तो भाई सबसे जल्दी हम लोग आग लगा लेंगे। और मैंने सोच लिया कि यहाँ पर जितनी भी ये वुड है ना सबको हटा दूँगा, सब वुड हटा के इस जगह पे हम लोग क्या कहते हैं एक लगा देंगे। मैंने यहाँ पर इसलिए बंद किया क्योंकि यार यहाँ पर जॉम्बिस की जो आवाज़ आ रही थी ना भाई आप लोग भी सुनने होंगे तो आप लोगों को भी अजीब सा लग रहा होगा। तो मैंने सोचा कि तब तक यहाँ पर सारा ब्लॉक कर देते हैं और जिस वजह से कोई भी आवाज़ नहीं आएगी और मैं इजीली क्या कहते अंदर खोद पाऊँगा। तो यार जैसे ही ब्लॉक किया कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने सोचा कि अब वापस खोलना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने खोल दिया। खोलने के बाद तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं यहाँ का खोल देते हैं, यहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं आ पाएंगे और यहाँ का ज़ॉम्बी आराम से आ जाएंगे। तो यार आप लोग को अभी तक ये वाली वीडियो बस इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और तब तक के लिए गुड बाय।